एंड्रॉयड ओएस जो है वो दुनिया के 90% से ज्यादा फोन्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें हैं ना जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगी। जैसे कि जब एंड्रॉयड पहली बार बना था ना, तो वो मोबाइल फोन के लिए नहीं, वो डिजिटल कैमरास के लिए बनाया गया था। और जो दुनिया का पहला एंड्रॉयड फोन का जो प्रोटोटाइप था ना, वो काफी कुछ उस समय के ब्लैकबेरी फोन जैसा देखने को मिलता था। और आप लोगों को तो ये पता ही हुआ कि एंड्रॉइड से गूगल बहुत सारा पैसा बनाती है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी हर साल $2 बिलियन कमाती है एंड्रॉइड से। एक्चुअली में गूगल ने एंड्रॉइड में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया है जिसका जो पेटेंट है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, और इन्हीं पेटेंट की रॉयल्टी से वो $2 बिलियन हर साल कमाते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, और उसके हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी एंड्रॉइड वर्जन है ना, तो उन सबके जो रियल स्टैचूज है ना वो सारे लगे हुए हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि हाल ही में एंड्रॉइड डिवाइसेस पूरी दुनिया में इतने बिके हैं जितने विंडोज, iOS, macOS इन सब की कंबाइंड होके जितनी सेल्स नहीं होती ना, उससे कहीं ज्यादा तो एंड्रॉइड के डिवाइसेस बिक जाते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक नहीं पता होगा कि जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं ना, उन सबके अंदर एक ईस्टर एग होता है। यानी किसी भी फोन में अगर आप अबाउट सेक्शन में जाते हो और वहाँ पे एंड्रॉइड के वर्जन पे कुछ पार्ट टैप करते हो, तो वहाँ पे आपको एक सीक्रेट ईस्टर एग देखने को मिलता है। और आप लोगों को तो शायद ये पता होगा कि एंड्रॉइड जो है ना वो 2008 में आया था, लेकिन 2018 तक आते आते गूगल ने अभी तक 24 वर्जन्स रिलीज कर चुकी है एंड्रॉइड के। इसका मतलब है कि एक साल में एक से ज्यादा वर्जन्स को रिलीज किया जाता है, जो कि पॉइंट वगैरह में डिफरेंस होता है और इनके एग्जैक्टली नाम नहीं दिए जाते, लेकिन ये सारे वर्जन पहले से ज्यादा अपग्रेडेड होते हैं। और क्या आप लोगों को पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसने 74 एंड्रॉइड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है कि 25 कंट्रीज में जब भी वो अपने फोन्स बेचे ना, तो उसके अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट वाली एप्स भी डाल के दें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और भी दूसरी एप्स जो आपको देखने को मिल सकती है किसी एंड्रॉइड फोन में। तो जब भी आप एक नया फोन लें और उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऐप देखने को मिले ना, तो आप ये समझ जाए कि उस कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच में कोई पार्टनरशिप हुई है। और क्या आप लोगों को पता है कि जो एंड्रॉइड का लोगो है ना, उसे एक्चुअली में एंड्रॉइड नहीं कहा जाता है, गूगल उसे अनऑफिशियली बग ड्रॉइड कहती है। तो ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है। और CES 2011 में जब पहली बार एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम को दिखाया गया था ना, तो वो मोटोरोला जूम के साथ आया था। यानी कि मोटोरोला जूम एक स्पेशल टैबलेट था जिसके लिए एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम बनाया गया था, और ये एंड्रॉइड का इकलौता ऐसा वर्जन है ना जो कभी फोन के लिए निकला नहीं, ये सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट्स के लिए बनाया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि एंड्रॉइड फोन का यूज नासा ने भी किया? एक्चुअली में नासा ने 2 नेक्सस एस हैंडसेट्स का यूज किया था जो कि एंड्रॉइड जिंजरब्रेड के ऊपर चल रहे थे, और उसका यूज एक सैटेलाइट में किया गया था जो अभी भी अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि दुनिया की जो पहली वेबसाइट थी जो एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड थी, वो थी फैनड्रॉइड, और ये भी उसी दिन एग्जिस्टेंस में आई थी जब गूगल ने अपना एंड्रॉइड रिलीज किया था 2007 में। और इसी तरीके से दुनिया की पहली डेडिकेटेड एंड्रॉइड वेबसाइट बन गई। और आप लोगों को क्या लगता है कि गूगल का ये जो एंड्रॉइड है ये सिर्फ टैबलेट और मोबाइल फोन्स में चलता है? देखा जाए तो गूगल ग्लास में, वॉचेस में अलग अलग जगह यूज होता है, जैसे एंड्रॉइड वीआर, एंड्रॉइड ऑटो में, और हाल ही में गूगल अपना एक फ्यूचीसिया ओएस बना रही है जो कि आईओटी बेस्ड डिवाइसेस में यूज होगा। तो देखा जाए तो एंड्रॉइड आने वाले समय में आपको हर जगह दिखने वाला है। और अगर हम एंड्रॉइड के बारे में बात करें तो वो पूरी तरीके से एक ओपन सोर्स ओएस है गूगल की तरफ से, और देखा जाए तो गूगल उसमें केवल अपनी एप्स डाल के पैसा बनाती है। यानी कि जब भी कोई फोन बनाने वाली कंपनी अपने फोन के अंदर गूगल की एप्स डाल के देगी, तो उसकी कुछ फीस गूगल को जाती है। और ये भी एक बड़ा रीजन बना था कि गूगल के ऊपर पूरे $5 बिलियन का फाइन लगाया गया था यूरोप के अंदर। यानी कि यूरोप में जितने भी फोन बन रहे थे, तो उसमें जो गूगल थी ना, वो सारी फोन कंपनीज को पुश कर रही थी कि वो अपने फोन में गूगल की एप्स ही डाल कर दे। ये बात यूरोपियन कमीशन को पसंद नहीं आई और उसके ऊपर $5 बिलियन का फाइन लगा दिया गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एंड्रॉइड के बारे में। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो ये बात कमेंट में बताना मत भूलना। और ये भी बताना मत भूलना कि अगले फ्राइडे फैक्ट्स में हम किसके ऊपर फैक्ट्स बताएं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।